Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal and this is my wife Nisha. Hello. Guys, आज हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, Q&A session करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने हमारी डॉक्यूमेंट्री को इतना पसंद किया. सारे कमेंट्स इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स थे, मतलब दिल से थैंक यू. थैंक यू गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू. सो आप लोगों के ही कमेंट्स में से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है. कुछ हमने एक पोस्ट भी करी थी, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें भी बहुत सारे सवाल आए थे, राइट? तो उन सारे सवालों को हमने गैदर किया है और उनका जवाब हम आपको देंगे वन बाई वन. ओके, तो शुरू करें. ऑलराइट, चलो. फंडू टीवी जी जी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज. वी आर डूइंग पंच केदार जून 2020. Just want to know solar panels and battery management for DSLR, gimbal and drone. Was permission for drone needed? Okay, so Fundu TV brother, definitely battery management आपको वहाँ पे करना पड़ेगा. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी आपके पास batteries है, कहाँ कहाँ पे आप use करने वाले हो. So what I did was spare batteries मेरे पास थी drone के लिए, अपने cameras के लिए. तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा. रही बात डेस्टिनेशंस में आपको बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स वगैरह की ज़रूरत, वो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पावर पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी बैटरी को ओवरनाइट चार्ज कर सकते हो. बट पूरी तरीके से रिलाय मत करना, कहीं बारिश का मौसम है और कुछ है तो वहाँ पे भी सोलर एनर्जी उनकी पूरी तरीके से काम नहीं करती है, सोलर पैनल्स, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है. सो मेक श्योर अपने पास स्पेयर बैटरीज आप रखें. अगर आपके पास ड्रोन है तो एटलीस्ट 3 से 4 बैटरीज रखो. कैमराज हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 बैटरीज आपके पास होनी चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू नो मैनेज योर बैटरी. दूसरी बात, आपने परमिशन से रिलेटेड कही ड्रोन के, तो 100% यू नीड परमिशन वेयर एवर यू आर गोइंग टू फ्लाई योर ड्रोन. स्पेसिफिकली अगर आप बॉर्डर एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी पोस्ट होती हैं लोकल एरियाज, वहाँ पे आपको परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ये बहुत ही रिस्की है. सो मेक श्योर आप परमिशन लें. मैंने भी जहाँ जहाँ पे भी ड्रोन उड़ाया है, अगर आप देखते हैं, वो ITBP, SSB सभी लोगों से परमिशन लेने के बाद वहाँ पे ड्रोन को मैंने फ्लाई किया, और बिल्कुल तरीके से जहाँ पे कैंप वगैरह विजिट ना हो. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप वीडियोज़ वगैरह लेते हैं, फुटेज लेते हैं, तो इस तरह के सेंसिटिव एरियाज़ को विजिबल ना करें अपने फुटेज में. स्पेसिफिकली जब डिफेंस फोर्सेज की बात आती है, बॉर्डर एरियाज़ की बात आती है, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू रहता है. सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सब आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो नीड टू वरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शिव गौतम जी, सर आई वांट टू आस्क यू, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बॉर्डर क्रॉसिंग और टेकिंग परमिशन फॉर दोज हु आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दीज एरियाज, लाइक पीपल इन सेंट्रल नॉर्थ. इफ समन हु इज नॉन माउंटेनियर लिविंग एरिया पर्सन वॉन्ट्स टू गो ओम पर्वत, हाउ कैन ही मैनेज ऑल दोज फॉर्मेलिटीज लाइक यू डू? ओके शिव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली यू नीड परमिशन वेन यू गोइंग टू ओम पर्वत, स्पेसिफिकली इन द व्यास वैली. परमिशन यू गेट फ्रॉम द SDM ऑफिस धारचूला. और परमिशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड योर आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है. सो आधार कार्ड है तो बेटर रहेगा. दूसरी चीज़, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसको फिलअप करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दी जाती है, दैट इज़ योर परमिशन. बेसिकली डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आप अलाउ करते हैं आपको कि आप व्यास वैली में एंटर कर सकते हैं. क्योंकि व्यास वैली में क्या है, हर चेक पोस्ट पे ITBP के आपका आइडेंटिटी प्रूफ और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि आपके पास परमिशन है या नहीं. और जैसा कि आपको पता है, डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा ही है कि आपको सबसे पहले छिया लेक में पोस्ट मिलती है, उसके बाद गर्ब्यांग में मिलती है, उसके बाद गुंजी में मिलती है, उसके बाद आपको काला पानी, एंड देन नाबेदांग. सो इतने सारे पोस्ट में आपको आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया जाता है, परमिशन चेक की जाती है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन, कि क्या अगर आप उस रीजन से नहीं हैं और आप उस एरिया से नहीं हैं, तो क्या आपको परमिशन मिलने के लिए कोई डिफरेंट चीज़ करनी पड़ेगी? नहीं. अगर आप एक इंडियन हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हों, मुंबई में रहते हों, बेंगलोर में रहते हों, कहीं पे भी रहते हों, यू जस्ट नीड दीज डॉक्यूमेंट्स, कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए,
आपके पास अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, दैट्स इट। और मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये दो तीन चीज़ें होती है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ और कुछ नहीं है, और बस होके आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ पे लोकल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लक्षित बांतिया, वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड, बट सर आई हैव वन क्वेश्चन, हाउ डिड यू शॉट ऑल द शॉट्स लाइक the drone shots, how did you manage to charge all your camera equipment? Okay Lakshit, so camera equipment kaise charge kiya, I've already explained. बात करते हैं हम drone shots की, तो आप लोगों को पता ही है मेरे पास drone है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये सारे drone shots of course मैंने ही लिए हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ड्रोन शॉट्स की मैंने हेल्प किसी से ली थी बिकॉज मैं भूल गया था उनको लेना, सो यू नो मैंने किसी को कांटेक्ट किया था और फ्यू ड्रोन शॉट्स आई टुक फ्रॉम दैट पर्सन, और उनको क्रेडिट हमने दिया है। दूसरी चीज़, ड्रोन शॉट्स जब मैंने लिए तो एक डिफ़िकल्टी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ड्रोन उड़ाया होगा, मैंने भी उड़ाया है। एक चीज़ होती है उसमें, उसे कहते हैं हम सैटेलाइट कनेक्शन। अब ड्रोन तभी उड़ता है जब आपका आपके पास सर्टेन सैटेलाइट्स होते हैं, मतलब कुछ एक फिगर रहता है 11, 12, 15 का, 18 का आपके को सैटेलाइट के थ्रू उस ड्रोन को उड़ाने का। अब जिस एरिया में मैं ड्रोन उड़ा रहा था स्पेसिफिकली, अगर आपको याद हो तो सेकेंड पार्ट में हम नजम पुल जब क्रॉस करते हैं तो एक ब्यूटिफुल सीनरी आती है, बर्ड व्यू आता है, एक रिवर का, एक वाटरफॉल का। तो उस पर्टिकुलर जगह पर मैंने जब ड्रोन उड़ाया तो आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि वहाँ पे सैटेलाइट्स ही नहीं थे। करीबन 3 या 4 सैटेलाइट्स मुश्किल से आ रहे थे वहाँ पे, और उसका रीज़न ये था कि स्पेसिफिकली वो जगह ऐसी थी कि दो पहाड़ों से वो दर्रा या फिर एक गैप बना हुआ था जहाँ से नदी क्रॉस हो रही थी, और वो जो नदी थी वो डिवाइड कर रही थी इंडिया और नेपाल को। दोनों इंडिया और नेपाल के दोनों पहाड़ इतने क्लोज थे कि सैटेलाइट्स का कनेक्शन आना बहुत मुश्किल था, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो उसकी वजह से ड्रोन को नेटवर्क नहीं मिल रहा था, रिमोट कंट्रोल को, और उसकी वजह से ड्रोन पूरा उड़ ही नहीं पा रहा था, और कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि 100 मीटर ऊपर तक लेके जाऊँ, लेकिन 10-15 मीटर ऊपर जाते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होके ड्रोन इधर उधर भाग रहा था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो, वहाँ पे ड्रोन उड़ाना। अभी तक मुझे याद है कि ठगुन्ना जी ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं सर, उड़ाइए आप, मैं लेके आ जाऊँगा नेपाल में अगर गिर भी गया ड्रोन। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। ड्रोन उड़ाना मुश्किल है स्पेसिफिकली इस तरह की जगहों में जहाँ पे आपके पास सैटेलाइट ही नहीं आए, तो सैटेलाइट कनेक्शन ना हो, तो ये मुश्किल था, बट कर लिया। आप तो इस तरीके से हमने ड्रोन के शॉट्स वगैरह लिए थे। और हाँ, एक और किस्सा, वो जब हम वहाँ पहुँचे थे नाबीदांग में, जब हमने ITBP की पोस्ट से ड्रोन उड़ाया, तो वहाँ पे बिल्कुल परमिशन आपको लेनी पड़ी थी, और बहुत ध्यान रखा था कि पोस्ट ना दिखाई दे, कैंप ना दिखाई दे। तो बड़ा मुश्किल रहता है इस तरह के ड्रोन वगैरह के शॉट लेना, राइट। और एक प्रॉब्लम और आई थी कि जब हम ड्रोन उड़ा रहे थे, इतनी सारी बर्ड्स आ गई, उनको लगा कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है और उसके चारों ओर घूम रही हैं, तो इस वजह से भी बहुत डर लगा था कि कहीं ड्रोन को कुछ डैमेज ना हो जाए, कहीं कुछ बर्ड्स को कुछ नुकसान ना हो जाए, तो बहुत रिस्की था उस टाइम पे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सात्विक पांडे, मैम क्या कम बोलना पसंद करती है? नहीं, ऐसा नहीं है सात्विक, मैं काफ़ी बात करती हूँ, बट मैं उस टाइम पे नेचर को इन्जॉय कर रही थी, एंड आई वाज लिविंग द मोमेंट, एंड बेसिकली आइडिया ये था कि हम लोगों से इंटरेक्शन को ज़्यादा दिखाएं रादर देन आर ओन एक्सपीरियंसेस, सो इसीलिए ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं खुल के कैमरे के सामने बात करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा दिखूँ, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। एक और सवाल पूछा है सात्विक ने, उसी से जुड़ा हुआ। सर, आपके मन में वहाँ ऊंचाई पे डाइट और एक्सरसाइज का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, मतलब खाना मिल गया वही काफ़ी था वहाँ पे, हम ऑलमोस्ट दिन में एक बार मैगी तो खा ही रहे थे, राइट। तो ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आया डाइट का, और एक्सरसाइज तो दिन भर हम ट्रैक ही कर रहे थे तो एक्सरसाइज ही हो रही थी, हालत बहुत ख़राब थी, तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेम ओबोट, इस ओम पर्वत एंड कैलाश पर्वत द सेम? देखिए, आपका नाम जो भी है गेम ओबोट
ओहम पर्वत और कैलाश पर्वत दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग पहाड़ हैं। ओहम पर्वत इज़ इन इंडिया, जो मैंने आप लोगों को दिखाया हमारी डॉक्यूमेंट्री में सारी चीज़ें। कैलाश पर्वत जो है वो आपका तिब्बत में है, तिब्बत जो अभी चाइना के अंडर है, तो बेसिकली फॉरेन कंट्री में है। पहले इंडिया में ही था कैलाश, जिसे हम कैलाश मानसरोवर, जो एक पिलग्रिमेज भी हमारे इंडिया में होता है, यू नो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज जिसे कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो वहाँ पे है कैलाश। कैलाश एक माउंटेन है और ओहम पर्वत की तरह, और बहुत ही यू नो सेक्रेड माना जाता है, उसमें भी ओहम पर्वत की तरह कोई नहीं चढ़ता है। तो वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा चाहिए पड़ता है, और आप चाइनीज़ वीज़ा लगा के वहाँ पे जाते हैं, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहता है वहाँ जाना। करीबन 10-15-20 दिन का, महीने भर का भी ट्रैक रहता है लोगों का। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन जो हमारे टूरिस्ट हैं वो तो होते ही हैं वहाँ पे। तो दोनों ही अलग अलग जगहें हैं। इंडिया में भी एक छोटा कैलाश करके एक जगह है, जिसे आदि कैलाश कहते हैं, वो भी कैलाश का ही एक छोटा हिस्सा है, एक यू नो उसका कह सकते हैं कि आदि कैलाश। तो वो भी ओहम पर्वत के दूसरे वैली में, उसी डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे भी हमारा प्लान है नेक्स्ट टाइम होपफुली वहाँ जा पाए। तो यस, दोनों अलग अलग जगह हैं। हाँ, ये सवाल एक्चुअली मैम के लिए है। इस स्टोरी का आइडिया कैसे आया मैम? बेसिकली आइडिया जीत का था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। उसके बाद काफ़ी मैंने उसके आर्टिकल्स पढ़े, इंटरनेट पे सर्च किया, इंटरनेट पे ज़्यादा है नहीं इस बारे में। तो फिर मैंने कुछ लोकल से बात करी, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हम वहाँ गए धारचूला, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जैसे आप जानते हैं, तो स्टोरी कंप्लीट, मुझे लगा नहीं था कि स्टोरी कंप्लीट भी होगी कभी, बट प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और स्टोरी कंप्लीट होती गई। इसी तरीके से स्टोरी कंप्लीट हुई। क्रेडिट जीत को जाता है? नहीं नहीं, क्रेडिट तो इनको जाता है कि वो स्टोरी को डेवलप करना। मेरे पास तो एक थॉट था कि भाई ओहम पर्वत जाना है, ओहम पर्वत लोगों को बताना है क्या है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, बट उसको थोड़ा सा स्टोरी डेवलप करना, स्टोरी के बारे में रिसर्च करना, लोकल लोगों से बात करना, यू नो धारचूला पे और उस एरिया में लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि कैसे जाया जा सकता है, कब जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ रिसर्च इनका था। फिर डेफिनेटली हम स्टोरी को कंक्लूड घर पर बैठ के नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ओहम पर्वत दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे कि आपको पता है कि पहले ही डेस्टिनेशन में हमको इतना बड़ा शॉक मिला कि भाई SDM साहब कह रहे हैं नहीं नहीं आप जा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, ये ITPP वालों का लेटर आ चुका है, आप ऊपर नहीं जा सकते। अब कोई सीरियसली आपके मुंह पे ही ऐसा कह रहा है कि आप नहीं जा सकते, तो स्टोरी तो वहीं पे ज़ीरो हो जाती है। सो इसका कंक्लूजन हमने पहले लिखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ओहम पर्वत दिखेगा या नहीं दिखेगा। वो आने के बाद हमने इसको पॉलिश किया और डेवलप किया। Right? और हाँ, अगर हम 3 दिन पहले जाते तो शायद हमें ओहम पर्वत दिखता भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें बताया कि 3 दिन पहले अगर आप आते तो आपको ओहम पर्वत नहीं दिखता। सो फॉर्चुनेटली हमें ओहम पर्वत दिख गए और हमारी डॉक्यूमेंट्री पूरी हो गई। हाँ, मतलब ये भी था क्यों नहीं भी दिख सकता, बहुत डेंजरस। चलिए, काम हो गया। नेक्स्ट, मोहित भंडारी सिंह, आई नियरली क्राइड इन द एंड एंड आई एम लिटरली शेकिंग राइट नाउ टाइपिंग द कॉमेंट, कांट बिलीव इट, हर हर महादेव। मोहित, क्या बताएं, मतलब वी बोथ फेल्ट द सेम वे व्हेन वी वर देयर। द मोमेंट व्हेन वी सॉ द ओहम पर्वत, इट वाज लाइक मैजेस्टिक, मतलब सरियल। आप यकीन नहीं हो रहा था कि सामने ओहम पर्वत है। मैं इन लोगों से पहले मैं चढ़ गया था ऊपर, तो वहाँ पहली जो विजुअल्स थे वो मैंने देखे थे सबसे पहले, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मतलब देखते ही मैं इनकी तरफ मैंने टर्न किया और मैं सिर्फ हाथ हिला के बता रहा था कि ओहम पर्वत दिख रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी तो शायद मुझे ही हुई होगी, क्योंकि नीचे सभी लोगों ने मुझे बोला, लोकल्स ने, एंड हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आप नहीं कर पाओगी क्योंकि लड़कियां नहीं जाती हैं वहाँ तक, नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ तक, तो आप नहीं कर पाओगी। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए थी ओहम पर्वत तक पहुँचना और इतने सुंदर सुंदर माउंटेन को खुद से सामने से देखना। तो वी आर सो ब्लेस्ड। वहाँ पे अभी मुझे याद है कि जैसे हम ऊपर पहुँचे थे तो हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी, और
कोई साउंड नहीं, मतलब जीरो साउंड, सिर्फ हवा की आवाज़, हवा की आवाज़ आ रही थी। कैप पहनी हुई थी मैंने, तो वो उड़ रहे थे उसके फेदर्स, तो वो फीलिंग अभी भी मतलब याद है मुझे। शांति एकदम, कोई एक आवाज़ नहीं, चिड़िया भी नहीं। उतना ही एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है वहाँ पे, हाइट इतनी ज़्यादा है कि आपको मतलब वो प्लांट्स भी नहीं दिखते हैं। एक वो फोटोग्राफ हमने डाला था तो उसमें भी वो कह रहे थे कि सर ये क्या, इसमें पान गिरा हुआ है, क्या खा के थूका हुआ है। देखो ऐसा नहीं होता है पहाड़ों में, वो स्टोन में जो होती है ग्रास उगती है, सो स्टोन ग्रास कहते हैं हाई एल्टीट्यूड में। उसका कलर ब्राउनिश येलोइश टाइप का कलर होता है, और हल्की मैं कहूँगा कि अलगी टाइप का भी कह सकते हैं उसे, स्टोन के ऊपर लगी हुई, तो उसका कलर उस तरह का दिखता है। पत्थरों में उगती है वो, क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी में क्या उगेगा, कोई झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं होती वहाँ पे, बहुत छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं बस। तो ये इस तरह का रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट,